मिल गया हमको सीटें मिल गया तो खाली है ट्रेन तो खाली है ट्रेन। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ और आज हम जा रहे हैं कृष्णा की बुआ के घर काशीपुर, जहाँ हम पहले रहते थे, 4-5 साल हम वहीं रहे हैं। हेलो गाइस, आप तो फिर हम बुआ के घर जाने मिलते हैं, बाय। चलो चलते हैं। तो आज पापा और बेटे साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं तो काशीपुर प्रखंड अपनी बुआ के यहाँ। बताओ कहाँ जा रहे हो? किससे मिलोगे? मिट्टू भाई से मिलेंगे अपनी। तो चलो आपको दिखाते हैं लड्डू की और इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। कितनी गहरी है बता दो? बहुत ज़्यादा। हाँ, ये दोनों साथ में रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, तो ज़्यादातर साथ में ही रहे हैं, इसलिए बहुत एक्साइटेड होता है लड्डू से मिलने के लिए। तो चलो गाइस, चल के लड्डू से मिलते हैं और सबसे मिलवाता हूँ मैं आपको लोगों को सबको। ओके बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। मिल गया हमको सीटें मिल गया तो खाली है ट्रेन तो खाली है ट्रेन। तो गाइस पूरी ट्रेन खाली है देखो, और हम जाएंगे लेटकर अकेले पूरी ट्रेन में बैठ के। देखो गाइस कैसे ये मस्ती कर रहा है, लटक लटक के खाली ट्रेन का मजा ले रहा है ये। ये देखो गाइस कितना परेशान हो रहा है, ट्रेन नहीं चल रही ना। इसके सब्र का इम्तिहान ले रहा है रेलवे। ट्रेन नहीं चल रही ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है लड्डू से मिलने के लिए। ये बहुत बेताब है। ये क्या है, मेरे को क्यों हेट कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? चल नहीं रही ट्रेन। क्या क्या परेशानी है बताओ तो। चल नहीं रही ट्रेन, चलने वाली है बस। ट्रेन चल देगी अगर तुम मेरी सुपर पावर्स का, मेरे अंदर ऐसी सुपर पावर्स हैं, अगर तुम कोई ज़्यादा परेशानी होती है ना, मैं हाथ मिला लूँ किसी से तो ट्रेन चलने लगती है। अब हाथ मिला के थोड़ी देर मुझे आँख बंद करनी होती है, आँख बंद करूँगा मैं और को सोचूंगा अपने सुपर पावर्स के लिए तो ट्रेन चल देगी। चल दी, ये देखो गाइस ट्रेन चल दी, मेरी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर लिया मैंने। ये देखो गाइस धक्का मार के चला रहा है ट्रेन। चलो एटलीस्ट मैंने अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये गलत है पता है। ये देखो गाइस चल गई है ट्रेन, तू धक्का मार रहा है इसलिए चल रही है। चलो अरे बढ़ाओ भाई आगे, जल्दी जल्दी बढ़ाओ। 2 hours later तो गाइस आ तो गए हैं काशीपुर में, सिस्टर की गली में, कृष्णा की बुआ जी की गली में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटे का रास्ता है। कृष्णा की एक्साइटमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। कृष्णा क्या कहना चाहोगे? हाँ तुम्हारी एक्साइटमेंट को क्या हुआ जल्दी बताओ। लड्डू से मिलने की एक्साइटमेंट बहुत हो रही है कृष्णा को। तो चलो चलते हैं फिर। तो गाइस कृष्णा पहुँच गया अपनी बुआ के यहाँ और ये मस्ती करते हुए अपने दोस्तों के साथ, लड्डू के साथ, काकू के साथ। ये इनकी पुरानी टोली है, इसके साथ कितनी मस्तियाँ करता है ये, बहुत मस्तियाँ की हैं इसने। ये साइकिलिंग करते हुए दोनों के साथ देखो कितना खुश है ये। तो आज जी तो गए काशीपुर अपनी सिस्टर के घर और हम कर रहे हैं यहाँ पे पार्टी हो रही है। और यहाँ हो रही है पार्टी, पार्टी वार्टी कुछ नहीं हो रही है, बच्चों ने जान खा रखी है। कृष्णा और उसके पापा गए हैं काशीपुर। तो फाइनली गाइस इतनी मेहनत के बाद बच्चों के बीच में हमें कुछ खाने को मिला है, मैक्रोनी पास्ता, और हम तीनों खा रहे हैं नंद भाभी। चलो फिर खाते हैं मैक्रोनी। और ये बन गई चाय गरम गरम ग्लास में, उठ चुकी है और मेरी भूमि भी उठ चुकी है। ये मेरी भतीजी जो मैं इसे वीडियो में नहीं दिखा पाई थी, ये है मेरी भूमि। भतीजी मेरी बाबू, और ये देखो सिद्धि काम। गाइस देखो ये कैसे बैठी है, अम्माओं की तरह पीछे गिरेगी। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? अब बहुत दिनों बाद हम दीदी के घर आए हैं। हेलो गाइस, देखो
मेरा क्या हाल हो रखा है, ये सच में मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और दीदी परेशान हो रही है, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं इनको, ये सक्षम बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रहा। और ये बैठी हमारी समृद्धि पकड़ खा रही है। आइए मैं आपको अपनी देवरानी से भी मिलाती हूँ। ये देखो ये है मेरी देवरानी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस अब हो रहा है बैक होम, चलते हैं थोड़ी देर में। चल चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 6:20 और 7:30 बजे तक पहुँचेंगे। ये कह रहा है कौन चिप्स खाने के बाद मसाला कौन चाटता है, कितना चाटता है केवल। तो गाइस भाभी वगैरह तो जा चुकी है, दोनों भाभी मेरी चली गई, शाम को चली गई थी वो दोनों। और मैं अब थोड़ा बहुत काम वाम निपटाया उनके जाने के बाद, बच्चों को सुलाया था, अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। जी ये और कृष्णा भी आने वाले होंगे। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, सुख समृद्धि किस चीज़ का मजा ले रहे हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो गाइस सक्षम ले रहा है मैंगो का मज़ा, ये देखिए, और सिद्धि ने खा लिया है मैंगो। इन्होंने क्या हाल करा है सबका, अच्छा है मैंगो, अच्छा लगा है? ये देखो मैंगो खा रहा है ये। अच्छा मैंगो अच्छा लगा? मैं खिला रही थी लेकिन नहीं भाई, मेरे हाथ से नहीं खाना था, ऐसे अपने आप खाने में मजा ही कुछ और है आम का। तो ये देखो ये मजे आ रहे हैं, ओम पोम, मजा आया मैंगो, लाइफ का फर्स्ट मैंगो टेस्ट किया है आपने। सक्षम क्या कहना चाहोगे? हाँ, और मेरी सीधी तो वैसी मैंगो बनी हुई है, देखो गाइस दोनों हाल देखो, चॉकलेट खा के सिद्धि का फेस है, मैंगो खा के ये देखो अब ये सफाई भी कर रहा है। अब बताओ अगर इसी चीज से मैंने इसे रोक लिया तो बस मैंने रोक है। सिद्धि पापा, सिद्धि सिंह पापा, यार कितना गंदा हो गया, अब ये अब इसको साफ करूंगी मैं। मैं सोच रही हूँ जब तक खेलना खेले दोनों, कितना प्यारा बचपन है, कभी लौट के नहीं आता, एक बार चला जाएगा। कोई नहीं, देखो गया मेरा मछला। तो गाइस ये दोनों तो ले रहे हैं मैंगो का मजा, और मैं चलूंगी हमने किचन की ओर। और मेरे टीवी में चल रहा है मेरा ही ब्लॉग, मैं बनाऊंगी भिंडी फुल्का और रायता। लेकिन आज सक्षम ने मुझे बहुत 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 परेशान किया, भैया भाभी आई हुई थी और इतना नहीं बहुत परेशान किया, मेरी गोदी में से उतर ही नहीं रहा था ये। हाँ देखो कह रहा हूँ पा, सिद्धि बार बार रूम में देखने जा रही है, पापा अंदर सुनिए, आज से दिख नहीं रहे हैं पापा। इसके लिए इसके दोनों को चढ़ना होता है और दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो इसको चाहिए वही इसको चाहिए। सिद्धि तुम ये ले लो, ये तो सारे खिलौने ले लेता है। A few moments later. देखिए दोनों के पापा आ गए और दोनों पापा के पास लटक गए हैं, कैसे भाई साहब परेशान कर दिया इन दोनों ने मुझे अकेले। आज मुझे इन दोनों ने जन्नत दिखा दी धरती पे, कृष्णा को भी ले गए। आज सक्षम तो बहुत परेशान करता है, देखो हालत इसकी आम खा खा के, अब दोनों को साफ करूंगी। और ये भी आ गया है, नमस्ते करो मुझे, पैर छुओ। तो ये आ चुके हैं दोनों घर पे, अब मैं इनको जरा पानी वानी पूछ लूं। रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 11:30 और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। जी भी आज काशीपुर गए थे, जी आ गए थे 8:30-9 बजे तक, जी भी आ गए थे। और मेरी भाभी भी आई थी, जैसा आपने देखा होगा वो भी चली गई थी शाम को। और तो अब डिनर विनर हो चुका है, बच्चों को और सोने का टाइम। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।